तेजस्वी यादव अब काफी तगड़े से बोलने लगे हैं। उनकी संवाद शैली और एक्शन को अब बीजेपी भी मानने लगी है। तेजस्वी यादव का ये अंदाज दिल्ली में आयोजित आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी देखने को मिला। ताल के टूड़ा स्टेडियम में उन्होंने अपने पिता लालू यादव के सामने ही बीजेपी को रगड़ कर रख दिया। कई मुद्दों पर तेजस्वी ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। अंत में मंच पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को धन्यवाद ज्ञापन में कहना पड़ा कि तेजस्वी ने अपने भाषण में किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ा है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में तेजस्वी यादव की उन 5 प्रमुख बातों को बताएंगे जिसमें उन्होंने लालू यादव के सामने ही बीजेपी को धो दिया। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के खुला अधिवेशन में दिल्ली आने का मकसद बताया। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में बैठी हुकूमत को 2024 में उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से ही पूरे देश में सियासत चलती है, यहीं पर हुकूमत करने वाले बैठते हैं, इसलिए हम लोगों की आवाज दिल्ली में बैठने वालों के कानों में जल्दी पहुंचेगी। तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग ताल ठोक कर बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव किस तरह दिल्ली आने का मकसद बता रहे हैं। बैठक के साथ साथ खुला अधिवेशन भी दिल्ली होगा और दिल्ली करने का ये मकसद है कि पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो एक जगह जो देश की राजधानी जो दिल्ली है, जहां से सियासत चलती है और दिल्ली में हुकूमत करने वाले लोग जो यहां बैठते हैं और जो मौजूदा हुकूमत करने वाले जो लोग हैं, जिस प्रकार से देश को और संविधान को, देश के लोकतंत्र को तबाह करने में लगे हैं, इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान को बचाने का काम करें, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। और ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग ताल कटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। तेजस्वी यादव ने सबके सामने कह दिया कि सारे विरोधी दल के नेता अपना अपना ईगो को छोड़िए, तभी बीजेपी को केंद्र से हटा पाइएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि देश को बचाना है तो ईगो को हर हाल में छोड़ना ही पड़ेगा। बीजेपी वाले हर तरह की साजिश रचेंगे, षड्यंत्र फैलाएंगे, आपस में हम लोगों को लड़ाएंगे, लेकिन हम लोगों को ना भटकना है और ना ही किसी भ्रम में फंसना है और ना ही किसी के झांसे में आना है। हम सबको एकता बनाए रखना है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरजेडी के लोगों को भी साफ साफ सुना दिया कि दो धाराओं में नहीं रहना है, या तो बीजेपी के साथ रहिए या हम लोगों के साथ रहिए, दोनों तरह की बातें नहीं चलेंगी, सबको हर हाल में एकजुट रहना होगा। सुनिए तेजस्वी यादव किस तरह भाजपा विरोधियों को एकजुट रहने की नसीहत दे रहे हैं। तो हम लोग सब लोगों का प्रयास है, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इस प्रयास में हैं। हम लोगों ने महागठबंधन करके दिखाया, भाजपा को भगाया, देश में सभी विपक्षी दलों के नेता से मुलाकात कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश होगी कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक साथ आए, अपने अपने ईगो को छोड़ें। ये व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है। देश को बचाना है तो साथ आना होगा, साथ मिलकर के लड़ना होगा। और हम लोगों ने महागठबंधन बनाया, कोई एक दल नहीं है, 7 दलें हैं। हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग सब लोग इसी एकता के साथ, इसी गोलबंदी के साथ आप लोग रहने का काम कीजिए। कहीं किसी के भटकावे में, भ्रम की स्थिति में आने की जरूरत नहीं है। बहुत साजिशें चली जाएंगी, बहुत षड्यंत्र होगा, लेकिन हम लोगों को उसका जवाब देना होगा, एक रह करके जवाब देना होगा।
ये तो आप जानते ही हैं कि बिहार ने जो कर दिखाया उस काम को करने के लिए दूसरे राज्यों को सोचना पड़ेगा। जब महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सत्ता पलटकर बीजेपी सत्ता में आ गई, वहीं बिहार में बीजेपी की सरकार पलट दी गई। इसे लेकर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी को रगड़ दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग खरीद परोक्त कर अपनी सरकार बनाने में लगे थे। कई राज्यों में सरकारों को डरा धमका कर गिराया भी। इन सब के बीच बिहार ने इतिहास रचने का काम किया। लालू यादव और नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाकर पूरे देश को एक मैसेज दिया, सात दल मिलकर हम लोग महागठबंधन बनाए हैं और बीजेपी अकेले रह गई है। और जब बिहार ने बीजेपी की सरकार को गिराकर दिखा दिया तो फिर देश में क्यों नहीं, देश भी 2024 में ऐसा करके दिखा देगा। सुनिए तेजस्वी यादव बिहार में बीजेपी सरकार के गिरने पर क्या कुछ बोल रहे हैं। पूरे देश में जिस प्रकार से भाजपा के लोग लगे हुए थे, जितने भी विपक्षी दलों की सरकार थी, क्षेत्रीय दलों की सरकार थी राज्यों में, वहां तोड़ने में लोग लगे हुए थे, खरीद फरोख करके डरा धमका करके सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन हम आदरणीय लालू जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया, आज जो देश में भाजपा जो औरों को गिरा रही थी दूसरे राज्य में, लेकिन बिहार की धरती में लालू जी ने भाजपा को बाहर करने का काम किया, गिराने का काम किया। आज बिहार में आप देखिएगा महागठबंधन की सरकार है, सात दल महागठबंधन में एक साथ हैं, अकेले भाजपा जो है पीछे रह गई है। और ये हम लोगों का प्रयास है दिल्ली आकर के, जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, जो चाहते हैं कि भाजपा को सरकार से हटाएं, आज देखिएगा बिहार में जो हुआ, सब लोगों में एक उम्मीद, एक आशा पैदा हुई है। और देश के लोग कह रहे हैं, सभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार ने करके दिखाया है तो देश भी करके दिखा सकता है। तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई से लेकर पकौड़े की दुकान खोलने को लेकर भी बीजेपी को खूब खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक ओर 75 साल में देश ने इतनी तरक्की की कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के महज 8 साल के शासन में इंजीनियरिंग पास लड़का चाय बेचने वाला बन गया, MBA पास आउट युवक पकौड़ा की दुकान खोल लिया, देश में बेरोजगारी महंगाई आज चरम पर है। सुनिए तेजस्वी यादव चाय वाला को लेकर किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना रहे हैं। 75 साल बाद कोई चाय के दुकान से प्रधानमंत्री बन गया, 75 साल में चाय के दुकान से देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इन मोदी जी के 8 साल में, मोदी जी के इन 8 साल में MBA किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का चाय के दुकान पे पहुंच गया, पकौड़ा के दुकान पे पहुंच गया। क्या फर्क है? आप सब लोगों को हम इतना ही कहना चाहते हैं, हम आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि 2014 में इन्होंने कहा था लोगों से कि देश टूटेगा या एक रहेगा, ये आपको फैसला करना है। आप देख लीजिए, आज 8 सालों में देश बर्बाद हो रहा है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, देश के संविधान के जगह RSS का एजेंडा लागू करने का प्रयास किया जा रहा, किसान मजदूर नौजवान सब लोग परेशान हैं, महंगाई की मार, यही लोग ना गाना गाता था भाजपा वाला लोग कि महंगाई डाइन खाई जाते है, आज डाइन नहीं भौजाई हो गई है। तो इसलिए आप सब लोगों को, ये लोग जो छलिया लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, ये लोग केवल केवल धोखा देने का काम करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, इनको देश के लोगों की सेवा से कोई मतलब नहीं, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं। ये तो आप जान ही रहे होंगे कि महंगाई जिस रफ्तार में देश में बढ़ रही है, उसी रफ्तार से रुपया भी डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। एक डॉलर की तुलना में आज रुपया
82 पर पहुंच गया है। एक डॉलर के बराबर हमारा रुपया 82 हो गया है। जब ये रुपया 50-60 पर था तब मोदी जी को षड्यंत्र लगता था, लेकिन आज ये बीजेपी वालों को बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि रुपया कमजोर हो गया है, लेकिन अब क्या हो गया? सुनिए तेजस्वी यादव रुपये के अवमूल्यन को लेकर किस तरह बीजेपी को धो दिया है। मोदी जी कहते थे ना कि ऐसा नहीं हो, मुख्यमंत्री तो बोलते थे ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि रुपया कमजोर हो जाए। हमने भी शासन किया, हमें पता है। अब 8 साल में बता दीजिए रुपया सबसे महंगा हो गया, सबसे मतलब नीचे गिर गया। डॉलर जो हो गया 82 रुपए हो गया, मतलब एक डॉलर पर आपको 82 रुपया देना होगा। पहले क्या था, 50 रुपया होता था, 60 रुपया होता था, तो मोदी जी को षड्यंत्र लगता था। अब जब 82 रुपया हो गया है डॉलर का, तो आज क्या हाल है भाई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक वादा जो है पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए इन लोगों का हिडन एजेंडा है। जब मुद्दे की बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, महंगाई के बारे में बात करोगे, भाईचारे के बारे में बात करोगे, किसान के बारे में बात करोगे, शिक्षा के बारे में बात करोगे, चिकित्सा के बारे में बात करोगे, देश की सुरक्षा के बारे में बात करोगे, तो ये लोग अपना वही एजेंडा, जो पुराना इनका जो फॉर्मूला है वही लेकर के आ जाएंगे। हिंदू मुसलमान झंझट पैदा करो, आपस में लड़ा दो और फूट डालो और राज करो कि नीति से ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जितने साथी यहाँ आए हैं देश भर से, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, भाईचारा को कायम रखना है, जो भड़काने का काम करेगा उसको भी सबक सिखाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।